हेलो एवरीवन, दिस इज राज आनंद सिन्हा एंड यू आर अगेन विद साइंटिफिक सिन्हा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे सिमडेगा के हसीन वादियाँ। एक बहुत खूबसूरत सा मौसम है, कल बारिश हुई है और बारिश के बाद आज सुबह मैं निकला हूँ एक बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही खास स्टूडेंट से मिलने के लिए। कुछ गाँव के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं निकला हूँ। गाँव के लोगों का ओपिनियन क्या है, गाँव की शिक्षा कैसे चल रही है, उसके बारे में ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। निकला हूँ सुबह, सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मनमोहक है, थोड़ी बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच में मैं हूँ और आपके साथ साइंटिफिक सिन्हा के साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ खास चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको समझिएगा कुछ हसीन वादियों का दर्शन जरूर कराऊँगा। आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। मैं शंख रिवर के ब्रिज पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जून का महीना चल रहा है, आज 1 जून है, जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में इतनी हरियाली देखने को मिल रही है। मौसम की नज़ाकत कुछ और ही कह रही है, क्या कुछ कह रही है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपने एक बहुत ही खास स्टूडेंट से मिलने के लिए आया हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट्स के लिए टीचर आइडियल हो जाता है। बच्चों के मुँह से सुनने को मिलता है कि मैं इस पर्टिकुलर सर के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर मैम के जैसा बनना चाहता हूँ। और बहुत बार ऐसा भी होता है या नहीं होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचर्स के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स आइडियल हो जाते हैं कि ये स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स है। देखकर अंदर से एक मन में आता है कि ये बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। तो मैं अपने वैसे ही एक आइडियल स्टूडेंट सुमित कश्यप से मिलने के लिए आया हूँ। सिमडेगा से लगभग 10 किलोमीटर दूर तामड़ा है, वहाँ पर मैं इनसे मिलने आया हूँ। बातें करेंगे इनसे, बहुत लंबी बातें करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। तो सुमित, अपने बारे में कुछ बताइए। यस सर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमित कश्यप, आई एम फ्रॉम तामड़ा कुम्हाटोली। अरे ये तो सर की मानता है जिन्होंने मुझे अपना एक आइडियल स्टूडेंट चुना है, क्योंकि एक टीचर में खास बात होती है। क्योंकि सर राज पहले से ही कहते थे कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ टीचर, एक टीचर आफ्टर ऑल एक टीचर ही होता है। चाहे वो एक वीडियो में भी सर से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि खान सर के जैसे आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो मैंने भी कमेंट डाला कि देर इज नॉट डिफरेंस बिटवीन अ टीचर वेदर ही इज खान सर और सर राज। टीचर इज आफ्टर ऑल अ टीचर, ही इज द वन हु इज ऑल सोर्स ऑफ नॉलेज। एक चीज़ आप गौर करेंगे कि तामड़ा के हैं, गांव के परिवेश में रहते हैं, गांव के लोगों के साथ उठना बैठना है, बट द वे इज टॉकिंग, जिस तरीके से सुमित बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, ये बेस है, एक मेहनत है। पहले तामड़ा स्कूल में पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े, उसके बाद संजोन्स में पढ़े, संजोन्स में पढ़ने के बाद अभी ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, संजोन्स में भी हमारे स्टूडेंट्स रहे थे, अभी सेंट मैरिज में पढ़ रहे हैं, डिटेल में बातें करेंगे। सुमित ये बताइए कि जो कोरोना का समय रहा, इस कोरोना के समय में आपने क्या किया? पिछले 2 साल से घर पर बैठे हैं, आप इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज किए? यस सर, जैसे हमारी बोर्ड एग्जाम खत्म हुई मार्च में और 20 तारीख को मैं सिमडेगा से तामड़ा आ गया अपने घर। तो यहाँ पर यह पूरा जो एक साल का जो दौर रहा ये अच्छा तो नहीं रहा, घर में बहुत सारे काम होते थे, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। तो मैंने सबसे पहले मैं कन्फ्यूजन में था कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है। सबसे पहले तो मुझे यह दिक्कत लगा, मैंने सुन रखा था और घर के लोग भी एक प्रेफराइज करते थे, तो मैंने सोचा था कि साइंस फेल लूँगा। और 20 तारीख के बाद ही मैंने बुक का जुगाड़ कर लिया और ऐसे ही पूरा लग गया मैथ साइंस लेकर के। तो लेकिन कुछ करते 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 ये समझ में आया कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक तो कोरोना का दौड़ है, यहाँ ना तो कोई कोचिंग की सुविधा है, तो मैंने सर राज से इन्हें रेफर किया कि मुझे दिक्कत हो रहा, तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरह से गाइड किया कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा सिविल सर्विस ऑफ कोर्स, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन प्रोसीड विद आर्ट्स। तो इस कोरोना काल में मुझे अपने पढ़ाई के साथ में घर के कामकाज को भी मैनेज करना पड़ा। और जैसे कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा से आपके अच्छे के लिए सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए जी। तो यही कहना चाहूँगा कि एक मेहनत भी रहा है, थोड़ा संकट भी रहा है, लेकिन एवरीथिंग इज ओके। आने वाले समय में ऐसे ऐसे संकट, ऐसी ऐसी परेशानियां फिर से आएंगी, घबराना नहीं है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपके बात को बीच में रोक कर कहना चाहूंगा कि साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, स्ट्रीम तो स्ट्रीम होता है। अगर आप में लगन है, अगर आप में मेहनत का जज्बा है कि हाँ मेहनत करना है, तो नथिंग
अ डिफरेंस बिटवीन साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स. आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्कोप होते हैं आर्ट्स में. सुमित ये बताइए कि जैसे गांव के लोग होते हैं, कोरोना का टाइम रहा तो बहुत सारे जादू टोटका से इन सारी चीजों को जोड़ देते हैं कि ये कोरोना नहीं है, ये फलाना जगह का चुरीन है, फलाना जगह का भूत है. तो ऐसा क्या देखने को मिला आपके गांव में? सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर बेसिकली दिक्कत यह होता है कि जो भी गवर्नमेंट इश्यू करती है कोई भी लो या कुछ भी जानकारी, तो लोग उसे ना सुनकर ये झोला छाप बाबा के पीछे में क्यों भाग जाता है. इसका बेसिकली मेन जड़ है कि ये जो सोशल मीडिया, इस पर लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेस हो रहा है और उसके कारण कहीं पर कोई कहता है कि कोरोना नींबू के रस से छुड़ा लीजिए या फिर रस्सी पर ये प्याज का रस बांध लीजिए अगरह वगैरह, तो इसी तरह मुझे देखने को मिला. और कोई तो कहता है कि पिछले साल ही, एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि एक साल तक पूरा हंगामा होता रहा पूरा गाँव भर में. कोई रात में कोई ऐसे अफवाह फैला दिया कि कुएं में कोरोना डाल रहे हैं, कुएं में कोरोना डाल रहे हैं. तो मैंने सोचा कि कोरोना को हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते, और ऐसे कौन ऐसे धुरंधर महारथी है जो कोरोना को लेकर कुएं में डाल रहा है और बीमारी फैल भी रहा है. कुएं में कोरोना डाल रहा, कोरोना इज नॉट लाइक अ डीडीटी. ये डीडीटी नहीं है कोरोना की यहाँ कुएं में डाल दिया जाए. तो बस मैं इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आ जाया हूँ कि लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कहानियां बनाते हैं. जैसा सुमित ने बताया कि कुएं में कोरोना डालने की बात हुई गांव में. अच्छा मुझे ये बताइए सुमित कि आप पढ़े लिखे हैं, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स, आपको तो अच्छी जानकारी है कि कोरोना क्या है और कैसा है. तो आप मुझे ये बताइए कि जब वैक्सीन के बारे में पता चला कि हाँ अब वैक्सीन बन गया है, इंडिया ने बहुत ही सक्सेसफुली वैक्सीन बना लिया है और अब टीकाकरण शुरू हो जाएगा, तो जब वैक्सीन का न्यूज आया तो क्या लोग वही कुएं में कोरोना डालने की बात ही कर रहे थे या वैक्सीन लेने की बात कर रहे थे गांव में? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने भी हमारे देश के डॉक्टर्स हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतने संकट के बीच में भी उन्होंने अपनी जान से खेल करके, क्योंकि ये जान से खेल करके ये शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाकई में यहाँ पर सूटेबल होता है क्योंकि एक लाइफ की कीमत क्या होती है वो ही जाने. डॉक्टर्स ने मेहनत किया है, नो डाउट, बहुत मेहनत किया, रिसर्चर्स ने मेहनत किया, उसके बाद एक अच्छा वैक्सीन तैयार हो गया. मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मैंने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा कमजोरी महसूस हुआ. लेकिन गांव में शायद ऐसी अफवाहें हैं कि वैक्सीन लेने से लोग मर जाते हैं और वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि गांव में जो लोगों का जो लिटरेसी रेट है, यानी कि कुछ पढ़े लिखे हैं, और यानी कि मैंने गांव में ऐसे तीन ग्रुप के लोगों को ऑब्जर्व किया है, जो कि एक है जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, दूसरे जो थोड़े मोड़े हैं मीडियम में है, हाँ मीडियम में है जी, और तीसरे वो टाइप के लोग हैं, ये लोग बहुत धुरंधर होते हैं, होता है तेजस्वी लोग, इनको यूट्यूब में तेजस्वी बोला गया कि कुछ तेजस्वी लोग होते हैं गांव में. सर ये लोग इस टाइप के होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि जान जा रही है, इनको इनसे कोई मतलब नहीं, इनको किसी तरह से एक पब्लिक अटेंशन चाहिए कहने के लिए जी, और कुछ नहीं. और जो बाकी लोग ये जो पहले और दूसरे टाइप के हैं, इन्हें कम से कम एक डर रहता है कि नहीं भाई कोई भी अफवाह फैलाने से या फिर जो भी अनऑथराइज जो इंफॉर्मेशन देने से गलत होगा जी, तो ये लोग ऐसे गलत नहीं करेंगे. लेकिन ये जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं, इनको मतलब कि पहली बात तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है, और अपने मनमानी जो चाहे वो बोलते जाते हैं, और वही जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाने का जो दौर शुरू हो जाता है, फिर एक कान से दूसरे कान गांव में फैलने का मतलब फैलते हुए समय नहीं लगता है. जी बिल्कुल सही कहा आपने. मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई कि गांव में तीन तरह के लोग होते हैं, एक पहले तरह के जो फर्स्ट कैटेगरी में जो आते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनका एजुकेशन अच्छा होता है, एक मिडिल कैटेगरी में मतलब जो लगभग 8th, 9th, 10th पढ़कर छोड़ देते हैं मिडिल, और कुछ तेजस्वी लोग होते हैं जो अपना तेजस्वी ज्ञान देते रहते हैं. चलिए कोई बात नहीं. अभी वैक्सीन लेने का दर कैसा है? मतलब जैसे हमने वैक्सीन लिया, हमारी माँ ने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हुआ उनका, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि जानते हैं कि वैक्सीन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और शरीर में एक बदलाव आएगा, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, शरीर उसको एडजस्ट करते हुए समय लेगा, लेकिन दूसरा डोज भी लेना है और लेना ही है. मैंने घर वालों को मेंटली ये चीज इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया कि हाँ दूसरा डोज लेना. तो अभी वैक्सीन लेने का दौर कैसा है? मैंने ऐसा सुना है
कि जो वैक्सीन देने के लिए लोग आते हैं गांव में, लोग उसको मार पीट के भगा देते हैं, ऐसा भी सुनने को मिला। आप क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे कि आपने कहा मार पीट कर भगाने की, ये बात एकदम सच है कि हमारे गांव में भी देखा जा सकता है। वे गांव की जो आंगनबाड़ी सेविकाएं होती थी, गांव गांव घूम घूम कर कहती है कि जाओ इंजेक्शन ले लो, वैक्सीन ले लो। तो वैक्सीन हमने भी लिया है, और इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन मैंने ले रखा है, बुखार आएगा हल्का फुल्का। जैसे कि एक बात आपको कटाक्ष करना चाहूँगा कि आप एक छोटे से बच्चे से भी गए गुजरे हैं। ये पोलियो का इंजेक्शन दिया जाता है बच्चे को, तो वह कम से कम उसमें पेशेंस है। भले बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन एटलीस्ट पेशेंस है कि उसको बुखार आता है, और दो तीन दिन भारी बुखार आता है लेकिन वो शांत रहता है, दूध पी खाना पीना करके आप आराम हो जाता है। क्या होगा, वैक्सीन लेंगे, यानी कि मृत्यु से अच्छा है कि कुछ दिन का बुखार सह ले। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि मरने से अच्छा है कि आप वैक्सीन ले लिए, कुछ दिन भी नहीं, एक दो दिन बस थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है। सुमित कहते हैं कि आप क्या छोटे बच्चों से भी गए गुजरे हैं। एक छोटा बच्चा होता है जिसको हेपेटाइटिस का टीका लगता है, जिसको टीवी का टीका लगता है या पोलियो का टीका लगता है, और लगभग 8-10 दिन तक फीवर होता है। तो हम तो बड़े हैं और हम कोरोना जैसी बीमारी का वैक्सीन ले रहे हैं, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहते हैं आप कि कब तक ये सारी चीजें सुधर जाएगी, या गांव में थोड़ा थोड़ा सुधरता हुआ दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जब से ये जो कोरोना वैक्सीन जब लगने शुरू हुआ है तब से बहुत सुधार देखा जा सकता है। जैसे कि पिछले 2 सप्ताह में ही लगभग 50 लोग वैक्सीन ले चुके हैं। इससे पहले गांव में अक्सर होता है ना कि एक भेड़ चाल हो जाता है, वही है हमारे गांव में। लगभग मैंने लिया, मेरे मामा ने लिया, उसके बाद से गांव में कुछ लोगों को मैंने जागरूक किया कि हाँ ले लो भाई, ऐसे कुछ नहीं है। तो पिछले 2 सप्ताह में 40 से 50 लोगों ने ले रखा है, और उन्हें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप कि आपने वैक्सीन लिया, आपने महसूस किया, और अपने अनुभव को लोगों तक शेयर कर रहे हैं अपने मामा जी के साथ। बहुत सारी बातें हुई। चलिए थोड़ा चैनल के बारे में बात करते हैं कि आप हमारे चैनल के विजिटर्स रहे हैं। यस सर। आप अक्सर ऐसा होता है कि क्लासेस वगैरह करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप पहले चैनल के बारे में कुछ कहिए? सर चैनल के बारे में तो सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि सिमडेगा जैसे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ऑनलाइन क्लास की बहुत कमी है, जहाँ की बेसिकली ऑनलाइन क्लास के नाम पर हम लोग क्या जानते हैं कि यूट्यूब में कुछ सर्च किया, उसके नाम पर एक बड़ी सी लिस्ट आ गई, उस पर अलग अलग पर जाके हम लोग क्लिक करते हैं, तब कुछ नया नया वीडियो देखने को मिलता है। लेकिन जो ऑनलाइन जो इंटरेक्शन होता है उसमें बच्चा समझ पाता है चीज़ों को, आपस में कनेक्ट कर पाता है चीज़ों को। तो सबसे पहले जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे पहली बार आपने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है तो इससे बहुत ही हेल्प मिल रहा है हम सबको। लाइव क्लासेस का जो दौर शुरू किया हमने, अब बहुत सारे टीचर्स करते थे समडेगा में, लाइव क्लासेस में शुरुआत किया, और लाइव क्लासेस शुरुआत करने के बाद बच्चे जुड़ते गए, और वो लाइव क्लासेस इफेक्टिव रहा और वो रहेगा, अब आदि काल तक चलेगा वो लाइव क्लास। लाइव क्लास कभी ख़त्म नहीं होगा, इवनिंग के क्लासेस होते हैं। आपने देखा होगा सुमित कि चैनल में कुछ आर्ट्स हैं, कुछ ड्राइंग्स के काम है। कल भी मैंने एक छोटे से बच्चे से का वीडियो डाला था, आप देखे होंगे, उसमें भी उसके बारे में चर्चा किए थे। आर्ट है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी चीज़ें हैं, वीडियोज़ है, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो है, कुछ लाइव क्लासेस हैं, कुछ डिजिटल बोर्ड में आपने देखा होगा। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा कंटेंट कौन सा रहा चैनल का? सर सबसे अच्छा कंटेंट जो आपने एक डाली थी, एक गाना मैं रहूं या ना रहूं करके एक आपका स्केच था, वो मुझे मतलब एक हार्ट तक टच किया वो। अच्छा स्केचिंग, बहुत सारे बहुत सारे जितने भी विजिटर्स से मैं बात करता हूँ सब लोग बोलते हैं कि सर स्केचिंग बहुत अच्छा रहा। आपके हिसाब से चैनल में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? कुछ रिफॉर्म्स में अगर बात करें तो वीडियो क्वालिटी पर थोड़ा जी वो क्वालिटी बढ़नी चाहिए, बाकी सब तो आपका कंटेंट तो वैसे ही आपकी जो बोलने का लय है तरीका है वो एकदम समझ में आती है अच्छे से। बिल्कुल सही बात। मैं अभी इनिशियल यूट्यूबर्स रहा हूँ, यूट्यूबर्स तो हूँ नहीं, टीचर्स हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अपने हिसाब से जितना समझ में आता है उतना करता हूँ। वीडियो क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करूँगा। कल भी एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर वीडियो क्वालिटी को सुधारने की ज़रूरत है। सुमित थोड़ा गांव के बारे में, गांव के इस माहौल में हम लोग आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे खड़े हैं, कुछ सुनाइए। ऐसा रहा है कि सेंट जॉन्स के दौर पे आप गाते बहुत अच्छा हैं, सुभाष महतो कवि के भी गाने में आपने देखा कि उन्होंने भी एक बहुत अच्छा गाना गांव के लिए, कुछ सिमडेगा को रिप्रेजेंट करते हुए या विजिटर्स को जो अच्छा लग जाए कुछ सुनाइए अपने तरफ से। मैं चाहूँगा कि आप कुछ सुनाइए। एक खास सवाल छूट रहा था जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा।
लोगों के अंदर ऐसा एक मनोभावना बैठ गया था कि दारू पीने से कोरोना ठीक हो जाता है। मैंने ऐसा सुना कि गांव में ऐसा लोग बोलने लगे कि थोड़ा दो बोतल दो गिलास पी लेंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा, अल्कोहल से कोरोना मर जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ट्रेंडिंग रहा गांव में? सर ट्रेंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा रहा, और एक वार्निंग भी मैं उन्हें देना चाहता हूँ कि ये जो आपका जो गलत फहमी है ना कि हड़िया दारू से ये जो कोरोना का जो असर नहीं होता है, इसे अपने पास ही रखिए और जो भी ऑथोराइज जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसको फॉलो कीजिए। अब यानी कि अब वैक्सीन लेने के बाद एक दिक्कत हो रहा है कि अब अगर इंजेक्शन लेने के बाद अगर दारू या हड़िया का थोड़ा भी सेवन करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सही बात कहा कि वैक्सीन के बाद अगर गलती से आपके बॉडी में अल्कोहल का अमाउंट जाता है, क्योंकि वैक्सीन के बाद जितना हम लोगों ने पढ़ा है कि इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन होता है और फिर धीरे 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 इम्यून सिस्टम बिल्ड हो जाता है, WBC बनना शुरू होता है, तो दारू पीने से दिक्कत हो जाएगा। तो सुमित कुछ सुनाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सुनाइए झारखंड के लिए, झारखंड से जुड़ी हुई चीज़ें, झारखंड की वादियों से जुड़े हैं हम लोग, कुछ सुनाइए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा हमारे विजिटर्स के लिए। जी सर धन्यवाद। ये गाना झारखंड के लिए है। हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर सोना झारखंड, स्वर्ग जैसन सुंदर तन धन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत। सोना झारखंड, हीरा झारखंड, स्वर्ग के जैसी खूबसूरत धरती, खूबसूरत वादियों को इन्होंने एक छोटे से गाने में दर्शाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। YouTube में ये वीडियो देखेंगे लोग, आपके मैसेज को गेन करेंगे, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत ही अच्छे जगह आपके यहाँ तांबड़ा में आकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि खुली वादियों में खड़े हैं हम लोग, नज़ारा बहुत अच्छा है, नो डाउट वीडियो भी बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ स्पेशल मैसेज अगर आप विजिटर्स को देना चाहें तो आप दे सकते हैं इसमें। यस सर, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उन्हें यही आग्रह रहेगा कि सबसे पहले दिक्कत यही है कि अफवाह, ये अफवाह में ना जाएं, जो भी सच्ची बातें कही जा रही उन्हें फॉलो कीजिए और पेशेंस रखिए। देखिए पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि एक छोटा सा बात ले लीजिए, आपको कोई चोट लगी है, खून बह रहा, अगर आप अभी कहेंगे कि मुझे चोट लगी तो लगी दर्द हुआ क्यों, तो ये बचकानी हरकत छोड़ दीजिए और पेशेंस रखिए। बुखार है वैक्सीन लेने के बाद, खांसी है, ठीक हो जाएगा, पेशेंस रखिए, ठीक हो जाएगा ना, मैंने भी लिया था जी। मी सुमित हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन ले चुके हैं, वैक्सीन के बाद का जो अनुभव है वो बहुत करीब से जानते हैं। सुमित से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मनमोहक नज़ारे के साथ, बहुत ही अच्छे मौसम के बीच में हमने सुमित का इंटरव्यू लिया, सुमित से बातें की, बहुत मज़ा आया सुमित आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ सीखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।